बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आप इस वक्त देख रहे हैं पाले खान को और मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। तो मैं पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरी क्या क्वालिफ़िकेशन है, और ये असील का एक सेटअप बनाना, बिज़नेस बनाना, इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा कि कहाँ से मुझे शौक़ पड़ा और कितना प्रीवियस नॉलेज है मेरा। तो आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन शुरू करता हूँ। मेरा नाम साजिद मसूद खटक है और निक नेम मेरा पाले खान है। इस फील्ड में जितने भी शौकीन भाई हैं, यार दोस्त हैं, वो मुझे पाले खान के नाम से जानते हैं, इसलिए मैंने अपने बिज़नेस का नाम भी पीके स्मार्ट असील बर्ड्स फैक्ट्री पेशावर रखा है। ठीक है जी, तो मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन एंड बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन आईटी इंजीनियर प्लस एमबीए मार्केटिंग प्लस एमएस मार्केटिंग हूँ मैं। ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एजुकेशन किया, आई एम साइंसेस हयातबाद से, मैनेजमेंट की अच्छी स्कूल है। उसके अलावा मेरा आईटी का 15 इयर्स का एक्सपोजर है आईटी बिजनेसेस में। जितने आप सीसीटीवी कैम्स देख लें, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए यूपीएस के, पावर के, तो इस साइड पे मेरा एक्सपीरियंस है। ये मेरा एक बचपन से शौक़ था, मेरा एक ख्वाब था कि यार मैं एक असील फार्मिंग के साथ मेरा शौक़ था, लेकिन इस टाइप की फार्मिंग से कि बर्ड्स जिसे लाइफ स्टॉक फार्मिंग कहते हैं, उससे मेरा शौक़ था। तो फिर अल्लाह ने मौका दिया, इस एज में आके फिर एक आइडिया आया कि यार व्हाई नॉट वी शुड बिल्ड असील फार्मिंग, क्योंकि असील फार्मिंग में पाकिस्तान में कोई भी नहीं था और ये एक लेबोरियस टफ जॉब है। तो इसके लिए करने का एक चैलेंज भी था, एक मज़ा भी आ रहा था, एक स्टेमिना भी था। तो वो मैंने फिर एक बर्ड्स किए हैं। सेकेंडली, इस फील्ड में बड़े फ्रॉड होते थे, मेरे साथ खुद फ्रॉड्स हुए हैं, बर्ड्स के पैसे भिजवा दिए, दिखाया कुछ भिजवाया कुछ, तो ये मसले मसाइल थे। तो मैंने कहा एक ऐसा प्रॉपर मैकेनिज़म होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जिसमें शौकीन भाइयों के पैसे भी ना डूबे और उनको उनकी मतलब की चीज़ पूरे पाकिस्तान में घूमने फिरने के बजाय एक सिंपल एक जगह पे आके वो पर्सनली खुद विजिट करके वो अपनी चीज़ पसंद चीज़ परचेज कर लें। ब्रदर, इस वक्त मेरे साथ जो आपको बैकग्राउंड में बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे नायाब बर्ड्स हैं। ये हमारे पाकिस्तान की देखिए कुछ रेयर ब्रीडें हैं, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरह मैं अपनी शाना, मतलब अपनी शान, पाकिस्तान की शान मियावाली ब्रीड का नाम लूँगा, मियावाली ब्रीड है। पाकिस्तान की दूसरी शान जो है सिंधी ब्रीड है और जागीरी ब्रीड है, ठीक है, इनके नाम लूँगा। फिर इसके बाद मियावाली अमरोहा है, अमरोहा प्योर अमरोहा, मियावाली अमरोहा, ये बहुत से बर्ड्स हैं, कमालिया ब्रीड्स हो गए। तो ये जितने भी आपको ब्रीड्स नज़र आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारे हमारे फार्म पे मिलेंगे। टोटल इस वक्त हमारे साथ जो बर्ड्स मौजूद हैं, जिनको मैं ब्रीडर बर्ड्स कहता हूँ, जिनसे हम ब्रीडिंग कराते हैं, हैचिंग कराते हैं, बच्चे लेते हैं उनसे, वो टोटल इस वक्त 250 से 280 के करीब है और मजीद सेटअप्स बनते जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा गोल है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर हम इसको 500 बर्ड्स तक पहुंचा दें। अच्छा, माशाल्लाह इस वक्त करंटली जो हमारे साथ ब्रीड्स हैं ना, तो पाकिस्तान की जो नामी ग्रामी ब्रीड्स हैं, जो पाकिस्तान की शान है, वो ब्रीड्स तो मौजूद है। पाकिस्तान की शान जो ब्रीड्स हैं वो एक मियावाली ब्रीड है और एक सिंधी ब्रीड है। फिर इन ब्रीडों से फर्दर ब्रीडें निकली हुई हैं, ठीक है, वो भी इतना नाम कर गई हैं कि अपनी एक पहचान बनाई है। जिस तरह मैं आपको कहूँगा अमरोहा ब्रीड है, ठीक है जी, लासानी ब्रीड है, बेंगम असील्स हैं, फिर इसमें आपके कमालिया ब्रीड आ जाती है। तो ये अच्छे अच्छे ब्रीड्स लोगों ने बनाई हैं। जिस तरह आप गुजरावाले से देखें तो राणा सफदर साहब ने पाको ब्रीड बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीड है। तो ये बहुत से बेहतरीन ब्रीड्स क्रिएट की गई हैं। आजकल ज़्यादातर आपको मेरे फार्म पे जी पाकिस्तानी सारी वैरायटी मिलेगी इंशाल्लाह जी। ये शौक़ तो जी देखिए मेरा बचपन से है, व्हेन आई वाज 7 इयर्स ओल्ड, तो तब से मुझे अपनी मदर से ये शौक़ लगा था, क्योंकि वो देसी मुर्गियाँ उसको बहुत अच्छी लगती थी, तो वो गाँव से लाती थी और पालती थी। इस तरह करते करते फिर इसमें मुझे असील का शौक़ पड़ गया है।
मामू ने गिफ्ट किए थे, तो वो असील बर्ड्स की जो स्टैंडिंग पोजीशन होती है ना वो बहुत प्यारी होती है, एक फाइटिंग स्टाइल होता है उसमें। तो बस बचपन से जी पड़ गया, एजुकेशन थी उस टाइम तो हम इस तरह कर नहीं सकते थे, दो बर्ड्स पाल लिए, चार पाल लिए हैं, बाकी फैमिलीज बर्ड्स के हक़ में नहीं होती थी और मैं और मदर बस इसको सर्व कर रहे थे होते थे। फिर एफईसी आई, फिर आखिर में अभी जब मैं नौकरी पे हो गया, नौकरी भी अच्छी माशाल्लाह, एक अच्छी एजुकेशन की, दो तीन डिग्रियाँ हासिल की हैं क्वालिफिकेशन वाइज, ये फिर घर का सरबराह हो गया ख़ुद से, तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, तो दिल भर के घर में बर्ड्स पाली हैं जी। उससे भी मेरा जिगर ठंडा नहीं हो रहा था ना, तो मैंने फिर क्या किया, ये पूरा फार्म आपके सामने ओपन कर लिया। जी सर, अभी इस वक्त मौजूदा ना देखें, सबसे जो नॉर्मली इजी बर्ड मिलता है और वैरायटी बर्ड मिलते हैं ना, वो मियावाली ब्रीड है, वो बहुत फैल चुकी है। मतलब ये हमारी मियावाली जो पाकिस्तान की शान है, हमारा माशाल्लाह मियावाली सिटी, यहाँ से बेसिकली एक नंबर का शौक यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे 100% बाशिंदों में तकरीबन मेरे अंदाजे से 90% आर असील बर्ड्स लवर। तो वहाँ से मियावाली से फिर बहुत बर्ड्स आए हैं, मैंने जाके मियावाली से भी, मैंने जो फार्म बनाया है तो ये पाकिस्तान के हर सिटी से ऑलमोस्ट हर शौकीन से मैंने बर्ड उठाया हुआ है, नर उठाया है, उसके साथ दो तीन फीमेल्स उठाई हैं। जहाँ पे भी मुझे पता चलता था, जब मैं फार्म बना रहा था आज से दो साल पहले, तो जहाँ पे भी मुझे पता चलता था कि फलाने भाई के साथ अच्छी चीज़ है, तो मैं जी गाड़ी निकाल के उसके घर पहुँच जाता था, वहाँ से बर्ड उठा लेता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इवन अफगानिस्तान से बर्ड्स मंगवाए हैं, कंदारी ब्रीड, टॉप ब्रीड अफगानिस्तान की, जो प्योर कंदारी है, वो आपको पी के स्मार्ट असील बर्ड्स फैक्ट्री में मिलेगी। जी नहीं, ऐसे मैं अगर ये बात कहूँ कि मेरे बर्ड्स पूरे पाकिस्तान में नंबर वन है और ये किसी के पास नहीं है, तो ये इंतहाई गलत बात होगी। ठीक है, सर के ऊपर सर होता है, बहुत से शौकीन बैठे हैं। हाँ, अलबत्त आपको मैं ये इंश्योरिटी करा सकता हूँ कि मेरे फार्म पे आपको अच्छे क्वालिटी के बर्ड्स मिलेंगे और एक जगह एक पॉइंट पर आपको मिलेंगे। सिर्फ बर्ड्स नहीं, इनकी मैं अभी प्रॉपर एक सेटअप बना रहा हूँ, दिस इज़ बेसिकली इट्स नॉट अ फार्म, टू ईयर्स इसको मैंने एज अ टेस्टिंग फेज में फार्म के नाम से चलाया है, ये पी के स्मार्ट असील बर्ड्स फार्म था। अभी मैंने कुछ दिन पहले लॉन्चिंग की है, तो मैंने ये पहले से डिसाइडेड था, ये मेरे मार्केटिंग प्लान का हिस्सा था, क्योंकि मैं खुद मार्केटियर हूँ बाय प्रोफेशन। तो अभी इसको हमने बर्ड्स असील फैक्ट्री कर दिया है, फैक्ट्री से सून इंशाल्लाह दोस्तों का साथ रहा तो हम इसको इंडस्ट्री में इंशाल्लाह शिफ्ट करेंगे। तो इस वक्त सिर्फ बर्ड्स नहीं होंगे जी, इनके चिक्स, इनके ब्रीडिंग एग्स, इनके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं जो इनकी ब्यूटी बढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे इसी प्रेमिसेस पे मिलेंगे। मसलन एक शौकीन बंदा, व्हेन ही स्टेप इन टू माय डोर, माय फैक्ट्री डोर, तो वहाँ से उसको मेडिसन प्लस इनके केजेस प्लस एवरीथिंग प्लस बर्ड सब कुछ मिलेगा, कंप्लीट पैकेज। तो हम उस पे काम कर रहे हैं आजकल। जी सर, मेडिकेशन तो मोस्टली देखें इस फार्म की मैं खुद करता हूँ। जब बहुत वायरल बीमारी आ जाए तो यहाँ पे वेटरनिटी पेशावर का जो लाइफ स्टॉक वेटरनिटी हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर्स मौजूद हैं जी, फिर उनका मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पेड विज़िट, या हम बर्ड्स ले जाते हैं ना वहाँ पे, तो उसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, बीमारी का पता चल जाता है, बाकी फिर डॉक्टर साहब नुस्खा लिख देते हैं, हम खुद डालते हैं फिर मेडिकेशन। सर गर्मियों में देखिए, बर्ड्स का इस बिजनेस में ना और इस शौक में वेदर का बहुत बड़ा असर है, स्पेशली 3 मंथ्स आप सर्दी के कर लें, दिसंबर जनवरी फरवरी, और गर्मियों के मई जून जुलाई, ये 3 मंथ्स हमें बहुत टफ मिलते हैं। गर्मियों में हमें ब्रीडर का मसला होता है, इनको गर्मी से हार्ट अटैक भी हो सकता है, इनका टेम्परेचर हम कंट्रोल रखते हैं, वो हम थ्रू फैंस रखते हैं, पानी कूलर्स प्लस स्प्रे करते हैं हम इन पर, और ख़ुराक में हम इनको ठंडी खुराक आइटम में मिक्स करते हैं और मिक्स बाजरा देते हैं। ठीक है जी, कोई फीड इस तरह इस्तेमाल नहीं करते जो कि गर्म होती है, और साथ में इनके पानी में हम विटामिन सी इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं। ठीक है जी, डेली बेस पे ग्लूकोस इनके पानी में, तो वो इनका टेम्परेचर कंट्रोल रखता है और इंशाल्लाह हादसा कंट्रोल रखता है। बाकी जितना शेड इनका ठंडा हो, छाव के अंदर हो, तो कंट्रोल रहते हैं। देखिए गर्मी का वेदर जो है ना, आपका ब्रीडर्स का नुकसान करता है, बच्चों का नुकसान कम होता है, क्योंकि बच्चों को सर्दी लगती है वो टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, और सर्दियों में ये ऑपोजिट है, सर्दियों में हमारे साथ चिक्स पालना जो है ना 1 मंथ के 15 दिन के, देखिए हम मादियों से भी ब्रीडिंग कराते हैं
तो मादी तो मदर तो साथ होती है, वो अपने छाती के नीचे इनको नीचे करके ना टेम्परेचर देती है। हम ज़्यादातर इनकोबेशन जो है इनकोबेटर्स के थ्रू करते हैं। तो इनकोबेटर्स वालों के लिए फिर हमारे साथ ब्रूडर होता है जिसमें सारा ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है। लाइट्स टेम्परेचर हमने 37.5 पे 37 सी पे सेट किया होता है, 35 पे वो लाइटें ऑन कराता है, 37 पे बंद कराता है। तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग UPS बैकग्राउंड में जनरेटर प्लस आपके साथ एक बिजली का सिस्टम होना चाहिए। तो सर्दियों में बच्चों की डेथ होती है, फिर हम उसी हिसाब से सर्दियों की अपनी खुराक है उसमें हम 14 नंबर फीड बच्चों को देते हैं, 4 नंबर फीड हो गई, 2 नंबर फीड हो गई नेशनल कंपनी वालों की, तो वो इनको फिर अच्छा गर्म रखता है। और हम टेम्परेचर कंट्रोल करना है, देखिए जिस मौसम में भी हो ना टेम्परेचर इनका आइडियल टेम्परेचर है ना बर्ड्स का, बड़े बर्ड्स का 20C और 35C के दरमियान टेम्परेचर है और छोटे बर्ड्स का 28C टू 37C, 28 सेंटीग्रेड से लेके 37 सेंटीग्रेड के दरमियान जब आप चूज़ों को रखते हो 3 महीनों के, तो वो कभी भी इंशाल्लाह टेम्परेचर की वजह से नहीं मरेंगे। और बड़े बर्ड आप 20 डिग्री टू 35 डिग्री मतलब या 15 डिग्री से लेके ना 6 महीने से ऊपर के बर्ड्स, 6 महीने से लेके 2, 3, 4 साल 5 साल वाले बर्ड्स अगर आप 15 सेंटीग्रेड और 35 के दरमियान रखें तो इंशाल्लाह आपके साथ वेदर की वजह से कोई इशू नहीं होगा। देखिए सर अभी फर्स्ट मेरा जो बिज़नेस नेम है ना, तो मैं अपने बिज़नेस नेम के साथ चलूँगा, और क्योंकि दिस इज़ पीके स्मार्ट असील बर्ड्स, तो असील बर्ड्स का बिज़नेस, असील बर्ड्स में फिर आपकी वैरायटी आ जाती है। अब मुझे बहुत सी क्वेरीज़ आ रहे हैं कि पाले खान भाई आप थोड़ा प्लीज़ डोमेस्टिक साइड पर आ जाएँ, कमर्शल जो ये होटल्स हैं इनके लिए। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस इज़ आवर थर्ड प्रोजेक्ट जिसमें हम एस्ट्रोलॉप जो होती है ऑस्ट्रेलिया की बर्ड है उसकी हम फार्मिंग कराएंगे यहाँ पे, RIR एंड एस्ट्रोलॉप फार्मिंग शुरू करेंगे जिससे आपको मीट के लिए पर्पस के लिए भी आपको वो मिलेगा और प्लस एग्स प्रोडक्शन के लिए। तो उस वो देसी अंडे होते हैं, चाइना वाला ये है मिस्री गोल्डन में आ जाता है, वो भी एक फार्मिंग है लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर अभी अच्छी ब्रीड्स आ गई हैं। देखें मिस्री गोल्डन जो है वो साल में आपको 250 से 220 से 250 के दरमियान एग्स देती है, उससे अच्छी ब्रीड आई है आजकल मार्केट में RIR, ये अमेरिकन देसी चिकन को RIR कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया की देसी चिकन को एस्ट्रोलॉप कहते हैं। एस्ट्रोलॉप ब्लैक कलर में होते हैं और RIR जो है वो रेड में, तो उसकी ब्रीडिंग अभी नस्लें निकली हैं, लोगों ने फार्म्स भी बना लिए हैं, मेरा भी प्लान था लेकिन करंटली मैं डिसीजन चेंज कर लिया है, हम पहले फैंसी में जाएंगे, इम्पोर्टेड में जाएंगे असील में, फिर फैंसी में जाएंगे और इंशाल्लाह फिर ये। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, अगर किसी भाई ने करनी है तो वो चाइना जो मिस्री है ना इसकी जगह RIR डाले, क्योंकि साल में 350 इसका गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका रिकॉर्ड कायम हुआ है कि साल में 365 दिन होते हैं, प्योर ओरिजिनल एस्ट्रोलॉप ने 350 एग्स दिए हैं और RIR ने 348। तो अभी पाकिस्तान में जो आपकी मिलेगी ये थोड़ी क्रॉस में हो जाती है ना, ऑस्ट्रेलिया से आके लोगों ने क्रॉस ले लिए, तो फिर भी ये 300 एग्स देती है। अच्छा सर ये जगह जो है पहले तो हमारे साथ ये था, अभी साइड में पीछे भी ले लिया, ये मैंने लीज़ के लिए पे लिया हुआ है जी, 15 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। तो ये जो ऊपर सारा खर्चा जो है ना, ये केजेस बनाना, ये ऑफिस बनाना, ये प्लॉट था, तो ये सारा फिर मैंने किया है अपने हिसाब से किया है। अल्लाह में तौफीक दे के इतना अमाउंट आ जाए कि हम इसी तरह, क्योंकि बड़ी जगह है और ये मैंने एक्सपेंसिव जगह पे, आपको पता है मेन रिंग रोड है ये, उस वजह से इसलिए मैंने रोड के ऊपर लिया है ताकि लोगों के लिए आसानी हो, लोकेशन अच्छी हो, मार्केटिंग में देखें लोकेशन बड़ा मैटर करती है, तो लोगों का इजीली एक्सेस हो, मेन रोड के ऊपर हो, और ये जगह भी अच्छी थी, काफ़ी मैंने जगह ढूंढी है फिर मुझे ये जगह पसंद आई, वरना अगर अंदर की तरफ हम लेते तो शायद हमें आधी कॉस्ट पर मिल जाती, लेकिन फिर भी फॉर कस्टमर एज हमने यहाँ पे डिसाइड किया इस लोकेशन को। और बाकी ख़ुराक पे मंथली इसका राउंड अबाउट मेरे करंट बर्ड्स पे तकरीबन 2.5-3 लाख का एक्सपेंस आता है जिसमें ख़ुराक भी शामिल है, तकरीबन 1 लाख 80 to 1 लाख ये इसकी फीड पे, ब्रीडर्स की फीड पे और चिक्स के और इनके उस पे तकरीबन ये मेडिसन्स पे,
डेली, क्योंकि हम मिनरल ताकत वाली चीज़ें दे रहे होते हैं ना आम रूटीन में, कुछ फिर बीमार शिमार भी हो जाते हैं, उनका हॉस्पिटल है इसी सेटअप में, वो स्टार्ट के केजेस हॉस्पिटल हैं। अभी मैं प्रॉपर एक हॉस्पिटल एक अलग सा बना रहा हूँ, 10 केजेस 15 केजेस का हॉस्पिटल बनाऊँगा, जिससे क्योंकि देखें जहाँ पर आपको पता है आबादी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर मरीज़ भी ज़्यादा होते हैं। ह्यूमन में भी अगर आप देखें ना, वहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं वो भी बड़े होते हैं। इस तरह जिस फार्म में बर्ड्स जितने बढ़ाओगे वहाँ पे आपके साथ बीमार भी बढ़ते जाएंगे, ये एक नेचुरल सी बात है। जी सर, हमारे साथ स्टाफ जो है वो 3 परमानेंट स्टाफ हैं और 3 जो हैं 3-4 वो मेरे साथ ऑन कॉल बेसिस है, जो क्योंकि हमने यहाँ पर देखें असील के शौक के साथ अपने ब्रूडर्स और इनक्यूबेटर्स भी शुरू किए हैं ना, तो इन 3 स्टाफ में एक हमारे जो भाई हैं हाजत साहब हैं, वो इंटरनल मैनेजर हैं फार्म के, उनके साथ सपोर्ट में फरीद साहब होते हैं, और दूसरा हमारे साथ हैदर साहब हैं, वो हमारे कार्गोज डिपार्टमेंट देखता है, कस्टमर्स को डील करता है मेरे साथ, और बाहर के जितने भी बाग दौड़ खुराक लाना, मेडिसिन लाना, पोस्टमार्टम कराना बर्ड्स का, ये सारा उनकी जिम्मेदारियों में आता है। और फिर हम ब्रीडिंग का यहाँ पर काफ़ी रोल होता है ना, खुराक डालने से ज़्यादा एक एम्प्लॉई का बर्ड्स का ब्रीडिंग कराना, क्योंकि असील बर्ड्स खुद ब्रीडिंग नहीं करते, उनकी ब्रीडिंग हमें करानी पड़ती है, उनको हम वर्जिश देते हैं, तो फिर ये 3 स्टाफ मिलकर ब्रीडिंग में काफ़ी रोल अदा करते हैं। सर बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा है। देखें इस फील्ड में मैंने आपको बताया ना कि मेरा फार्म बनाने का मकसद एक तो अपने जिगर ठंडा करना था, क्योंकि इतने असील से मेरा गुजारा नहीं होता था, एक मैंने कहा इतने असील हो जाएं मेरे पास, और दूसरा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो फार्म बनाने का था वो लोगों को धोखे से बचाना था, क्योंकि मेरे साथ बहुत फ्रॉड्स हुए हैं बर्ड्स परचेजिंग के वक्त। एक तो वो फ्रॉड होता था कि आपको बर्ड्स दिखाते कुछ और थे, एक तो ऐसे फ्रॉड्स हुए हैं कि पैसे ट्रांसफ़र किए हैं किसी और के, बर्ड्स हमें दिखा देते थे और बर्ड आता भी नहीं था, फिर मोबाइल जी बंद, ठीक है, तो ये फेसबुक पे जो बर्ड्स बिकते हैं ये उधर पे रिलायबल सोर्स हमें देखना चाहिए। मैं व्यूअर्स को भी, जो व्यूअर्स इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि जी के बंद आंखों पे पैसे ना ट्रांसफ़र करें, किसी अच्छे फार्म से, बेशक 500,000 रुपये आपको बर्ड महंगा मिलेगा लेकिन उसकी प्रॉपर इम्पोर्टेड वैक्सीन हुई होगी, और बर्ड जो होगा वो नॉन बर्ड होगा, नॉन ब्लड लाइन से होगा, आपको इसकी हिस्ट्री माँ बाप का पता होगा, तो कल को आपको बेचने में आसानी होगी, अच्छी जगह से चीज़ लेंगे तो रीसेल वैल्यू भी अच्छी होगी, और फिर दूसरा ये कि मतलब धोखों से भी बचेंगे आप। अब मैं जी, मेरे ये पॉलिसी है कि मादी की, मेरी एग्स की गारंटी होती है, बंदे को मैं मादी दूँ वो एग्स ना डालें तो वापस, ठीक है जी, और मेल की हमारी ब्रीडिंग की गारंटी होती है कि मैं उसको दूँ और ब्रीडिंग ना करे, बच्चे बनाने के काबिल ना हो तो मैं वापस लेता हूँ, तो ये, और जो चीज़ दिखाई जाती है 110% वही जाती है और उससे अच्छी कंडीशन में जाती है। मैं जब पिक्चर्स दिखाता हूँ ना, मेरा मोड ऑफ सेलिंग जो है ना, दैट इज़ यूट्यूब, दैट इज़ फेसबुक और दैट इज़ व्हाट्सएप, और लोकल कस्टमर्स तो विज़िट करके आ जाते हैं, बाकी मेरे ये मोड ऑफ सेलिंग्स है, ऑनलाइन मैं सेल करता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा वो मेकअप शेकअप करके चीज़ें नहीं निकालता, क्योंकि मैं नेचुरल इफ़ेक्ट में, मेरी कोशिश ये होती है कि तस्वीर थोड़ी गंदी निकालूं, ताकि कल को बंदे के पास ओरिजिनल बर्ड जाए तो उसका 25% पिक्चर से प्लस इफेक्ट हो। लोग क्या करते हैं कि सर पिक्चर लेके उसमें एडिटिंग कर लेते हैं, बर्ड इतना ज़बरदस्त नज़र आ रहा होता है कि अगले से मुँह मांगी जब वही चीज़ बेचते हैं तो अगला कस्टमर कहता है कि ये तो वो बर्ड ही नहीं है जो आपने हमें भेजा था, असल में वो वही बर्ड होता है लेकिन वो तस्वीर का कमाल होता है। हमारी जी एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल है जो कि पीके स्मार्ट असील बर्ड्स पेशावर के नाम से है, यूट्यूब के सर्च में आप जाएंगे पीके स्मार्ट असील बर्ड्स लेके, ये तो चैनल का नाम है, अब यही चैनल 2-3 नामों से ओपन हो करता है, आप पाले खान असील्स लिख दें यूट्यूब के सर्च में, टाइप करें फ़ौरन मेरा फर्स्ट पे ही आपको मेरा चैनल मिलेगा। अगर आप पाले खान सेटअप भी लिख दें तब भी ओपन होगा, असील फैक्ट्री भी लिख दें, तो जो भी भाइयों को व्यूअर्स को अच्छी सर्च मिले, इजी सर्च, मेरा लिंक ओपन हो जाएगा, और मेरा मोबाइल नंबर है 03149000032, फिर रिपीट करता हूँ 03149000032। करंटली जो सेटअप है ना, अभी तो इम्पोर्टेड अपनी एक लाइन है, उसकी अपनी प्राइजेज हैं, व्यूअर्स को भी पता है, जो शौकीन है उनको भी पता है, पाकिस्तानी बर्ड्स में फिर प्योर क्वालिटी मुश्किल से मिलती है, वो रेयर में आ जाती है, क्रॉस बर्ड्स मिलते रहते हैं। अब हमारे साथ आपको 6,000-5,000 रेंज से बर्ड लेके आपको 50,000 रेंज तक बर्ड मिल सकता है,
ये इस प्राइजेज में पाकिस्तानी और अफगानी ब्रीड्स, अफगानिस्तान की ब्रीड्स अवेलेबल हैं। और वो अफगानिस्तान के हमारे साथ कंदारी ब्रीड है, उसके जो ब्रीडर्स हैं मेल, और हीरा नस्ल जो है, हीरे में प्योर मियावाली या सिंधी में प्योर पॉइंटों पे पूरा हीरा, मतलब ये असील के देखें 8-10 निशानियाँ होती हैं बर्ड में, आँख हो गई, चेहरा हो गया, पाँव हो गए, ये सारी प्योरिटीज़ बताती हैं। तो ये अभी आपको मैं एक बर्ड का शौक करा के बताता हूँ, ये पॉइंट्स मैं डिस्कस कर लूँगा ना, तो ये फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से पॉइंट्स होते हैं जिस पे असील की कीमत बढ़ती है। स्लाइटली एक आंख पीली होना और बिल्कुल सफ़ेद आंख हो तो ये 3-4 हज़ार प्राइस चेंज कर लेती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक्सपेंस निकाल रहा है। बेसिकली मैं ख़ुद एक बहुत अच्छी पोजीशन पे था, जॉब रीजनल सेल्स मैनेजर था पूरे केपी और अफगानिस्तान का आईटी टेलीकॉम कंपनी का। तो साल मैंने अपने जॉब के साथ मैनेज किया, सैटरडे संडे में, और 5-6 बजे छुट्टी हो जाती थी। यूनिवर्सिटी रोड पे मेरा ऑफिस होता था, रियाओं को मैं आता था 7-6 बजे, तो ये 2 लड़के होते थे और 10 तक हम काम करते थे। तो इस तरह ये कुड्डे में बढ़ता गया, साल तक मैंने किसी को नहीं बताया कि भाई यहाँ पे कोई फार्म है। लोगों को ख़ुद पता चल जाता था, और नेट वाले लोगों को, तो ऑनलाइन में नहीं था। फिर मैंने चैनल बनाया, फिर एकदम मुझ पे रश, लोगों को बड़ा आइडिया पसंद आया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो रश टूट पड़ी, मेरा भी हौसला बढ़ा कि यार बस। फिर मैंने जॉब टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा था तो मैंने जॉब छोड़ दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जॉब में छोड़ा है उसका डबल निकल आता है, कभी ट्रिपल निकल आता है, कभी अपना अभी जिस तरह पिछला महीना था, आपको पता है मुल्क के हालात ख़राब चल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक्सपेंस निकाला है। बिल्कुल मैं उनको मशवरा देना चाहूँगा, मेरा देखें खुद एक मिशन है, एक स्लोगन है मेरे बिज़नेस का, घर घर असील, अब होंगे घर घर असील। तो उसमें मेरे साथ मैं चाहूँगा कि और भाई भी फार्मिंग में आएँ। देखें शौक शुरू करें, पहले समझे चीज़ों को। मैं पालेखान डायरेक्ट बिज़नेस में नहीं आया, मैंने 30 साल शौक किया है, बर्ड्स को समझा है, क्योंकि कल को आपको सेल परचेज करोगे, किसी ने 50 हज़ार का मुर्गा मतलब कह के आपको 5 हज़ार का मुर्गा पकड़ाया होगा, और आप जहन में ये कह रहे होगे 50 हज़ार का लिया है, चलो 60 हज़ार का मैं बेच दूंगा, बीच में वो 10 का भी नहीं बिकेगा। तो पहले आप चीज़ों को समझें, जब आपको चीज़ की समझ आएगी तो आप अच्छी परचेजिंग कर सकोगे और अच्छी प्राइस पे सेल कर सकोगे। उसके अलावा ये लेबोरियस जॉब है, थोड़ी टफ फार्मिंग है, मतलब अगर आप बाकी लाइफ स्टॉक की फार्मिंग देखें ना, तो उसको मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 या 5 टाइम मुश्किल करके इसको करूँगा। जो भाई शौकीन हो, जिसका स्टेमिना हो, और जो असील पे समझता हो, चिक्स पे, क्वालिटी पे, तो वो असील फार्मिंग में आए, और इंशाल्लाह पालेखान का भी उनके साथ सपोर्ट रहेगा हमेशा, अगर वो उसको कुछ नॉलेज एरिया चाहिए, क्योंकि फार्मिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द फर्स्ट असील फैक्ट्री ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जिस टाइम मैं फार्मिंग शुरू कर रहा था तो पाकिस्तान में लोगों छतों पे, जिस तरह मैं छतों पे शौक कर रहा था, सब भाई छतों पे कर रहे थे, छतों से फार्मिंग पे अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी काविश थी कि इसको लेके आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद, टैक्सला, सवाबी, कुछ 2-3 फार्म तो मैंने अपने हाथ से बनाए। अभी हम असील कंसल्टेंसी भी देते हैं, जिन भाइयों ने असील फार्मिंग करनी हो तो हम असील कंसल्टेंट हैं, उनको हम प्रॉपर बिजनेस प्लान, जिस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप फार्म बनाया, उनको हम पूरा फार्म भी बना के दे सकते हैं।